नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। कैसे हैं? आनंद कुमार सुहानी वर्मा। 9:30 बज चुके हैं। चंदन कुमार, वेलकम चंदन कुमार। क्या टाइमिंग है आपकी चंदन कुमार। चलिए, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए चंदन कुमार, जल्दी से वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए। साढ़े नौ बज चुके हैं, फिक्स 9:30 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग चंदन। चंदन जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू करें आज का ये वीडियो। सुहानी आनंद कहाँ गए? चलिए चंदन, शुरू करें क्या वीडियो? सुहानी वेलकम। सुहानी बताइए, सुहानी शुरू करें आज की क्लास? शुरू करें सुहानी चंदन। ओके चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइए सुहानी और चंदन, भोर घाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था? बताइए चंदन, सुहानी बताइए, भोर घाट के प्राचीन मार्ग का विकास किस राजवंश ने किया था? सातवाहन, गंगा, गुप्त या चंदेल, क्या है इसका आंसर? ओके चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर है ए सातवाहन। ए सातवाहन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए सातवाहन। बहुत ही बढ़िया चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार के पास राज्य को बनाने की शक्ति है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार के पास राज्य को बनाने की शक्ति है? अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन या अनुच्छेद चार? बताइए चंदन। रवि वेलकम रवि। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद तीन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद तीन। गोवा को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष विलय किया गया? बताइए चंदन रवि, गोवा का भारतीय गणराज्य में विलय किस वर्ष किया गया? बताइए 1959, 1961, 1987 या 1949, क्या इसका आंसर? चंदन रवि बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 1961। गोवा को भारतीय गणराज्य में 1961 में मिलाया गया, 1961। बहुत बढ़िया रवि। अरे आलोक, सुहानी, चंदन, राम जाने, वेलकम राम जाने, इसका आंसर है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? बताइए रवि, राम जाने, चंदन, आलोक, सुहानी बताइए। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश या पुडुचेरी, क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। देवानंद कुमार वेलकम देवानंद। इसका आंसर है आंसर नंबर ए गोवा। पहला केंद्र शासित प्रदेश गोवा को घोषित किया गया था, गोवा, गोवा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, गोवा। इस स्टेथोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारत में उपयोग में लाया गया? स्टेटोस्टेट, स्टेरोस्टेट, एक्सएच या ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है? बताइए बताइए, हल्की सी सिर्फ स्पेलिंग वो है ए और बी वाले में, अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिए फिर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी स्टेरोस्टेट, एस टी ई आर ओ एस टी ई टी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ई युवा योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है बताइए। ई युवा योजना इनमें से किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, BIRAC, ISRO मतलब इसरो, DRDO मतलब DRDO, क्या हुआ रवि सुहानी चंदन, हाँ सही तो चल रहा है, हाँ चलिए, या NBRI, क्या इसका आंसर देवानंद राम जाने, जल्दी बताइए क्या इसका आंसर। ई युवा योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, चलिए देखें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, BIRAC, BIRAC द्वारा ई युवा योजना कार्यान्वित की जा रही है, इसका आंसर बताइए। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाला पहला गेंदबाज कौन है बताइए। देवानंद चंदन रामजाने, क्या है इसका आंसर। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाला पहला गेंदबाज कौन है, जे बुमराह, आर अश्विन, जहीर खान या रोजर बिन्नी, क्या है इसका आंसर। चंदन देवानंद, चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। आलोक, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर अश्विन, इसका बिल्कुल सही आंसर है आर अश्विन, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। क्रेजी बॉय, वेलकम क्रेजी बॉय। भारत में कितने राज्य हैं बताइए, भारत में कितने राज्य हैं, 28, 29, 26, 27। चंदन क्रेजी बॉय, देवानंद बताइए, आलोक, अंकित सरोज, वेलकम अंकित। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ए 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो संघ शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है, 28 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं है बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21, क्या है इसका आंसर। आलोक, क्रेजी बॉय, देवानंद, अंकित, चंदन, जल्दी बताइए किसमें कहा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इसका आंसर बताइए। धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है बताइए। उमेश कुमार, गुड मॉर्निंग उमेश, इसका आंसर बताइए उमेश। धुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है बताइए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या हुगली। धुबरी फुलवारी पुल बताइए उमेश, अंकित, क्रेजी बॉय, अंकित, देवानंद, क्या आंसर है इसका। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। चंदन कुमार, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र। धुबरी फुलवारी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर बताइए। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम सजा क्या है बताइए। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम सजा क्या है, 7 साल, 6 साल, 5 साल या 1 साल, क्या इसका आंसर बताइए जल्दी। चंदन, रवि, अंकित, आलोक, देवानंद, क्रेजी बॉय, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 साल। जघन्य अपराध के लिए न्यूनतम सजा है 7 साल, ठीक है, न्यूनतम सजा कितनी है, 7 साल, किसमें, तो किशोर न्याय अधिनियम में। इसका आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहां प्रकाशित हुआ था बताइए, कहां प्रकाशित हुआ था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, आनंदमठ, गीतांजलि, विश्रीभक्ष या केसरी। रवि, देवानंद, क्रेजी बॉय, अंकित, चंदन, बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, आनंदमठ, बहुत ही बढ़िया देवानंद, आनंद मठ इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए। मंगल पर नासा का प्रिजर्वरनेंस रोवर कब उतरा बताइए। 16 फरवरी 2021, 18 फरवरी 2021, 20 फरवरी 2021 या 19 फरवरी 2021 बताइए। मंगल पर नासा का परसिवरेंस रोवर कब उतरा बताइए। स्माइली, वेलकम स्माइली, आंसर बताइए कब उतरा।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 2021, 18 फरवरी 2021, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए देवानंद, चंदन, आलोक, उमेश, रवि, इस्माइली। बताइए नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रमोद कुमार मिश्रा, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या मनोज मुकुंद नरवाने। क्या है इसका आंसर बताइए? देवानंद, चंदन, रवि, उमेश, आलोक, इस्माइली। जल्दी बताइए, आज हम लोग सब लोग मिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें मैं करंट वैसे बहुत सारे लाई हूँ आज। चलिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करता है ना, नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल सही आंसर है, नरेंद्र मोदी। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए घुमाने के लिए उसने क्या क्या बोल दिया कि छठी गवर्निंग काउंसिल। चलिए इसका आंसर दीजिए, व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? बताइए व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? कू ऐप, संदेश ऐप, किक ऐप या की बेस ऐप? क्या इसका आंसर? देवानंद, आलोक, इस्माइली, क्रिजवर, उमेश। बताइए व्हाट्सएप का संदेशी विकल्प क्या है? तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदेश ऐप। व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? तो संदेश ऐप, बिल्कुल सही। और सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। कौन सा संगठन संदेश ऐप के बैक एंड को संभालता है? बताइए कौन सा संगठन संदेश ऐप के बैक एंड को संभालता है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, गृह मंत्रालय, राज्य का साइबर सेल या इनमें से कोई भी नहीं? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए, इस्माइली, देवानंद, चंदन, क्रेजी बॉय, आलोक, उमेश। क्या इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत बड़ा है, चलिए लेकिन बोल देती हूँ। बताइए संदेश ऐप के बारे में सही कथन कौन सा है? आपको बताना है संदेश ऐप के बारे में सही कथन कौन सा है। दो प्लेटफॉर्म्स के बीच चैट इतिहास को स्थानांतरित करने का कोई विकल्प नहीं है। पंजीकरण के लिए केवल ईमेल आईडी की जरूरत है। आपके ऊपर ऑप्शन ये रहे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ऐप, केवल एक। दो प्लेटफॉर्म के बीच चैट इतिहास को स्थानांतरित करने का कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 सीपीआई 2020 में भारत किस स्थान पर है? बताइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 99, 86, 80 या 72? क्या है इसका आंसर? इस्माइली, अंकित, चंदन, देवानंद, क्रेजी बॉय। किस स्थान पर है जल्दी बताइए भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पे? चलिए देख लेते इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 86वें नंबर पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 86वें नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर बताइए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 के बारे में सही कथन कौन सा है? यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। आपको ये बताना है इन दोनों में से सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों? बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसका आंसर यह है कि यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और सूचकांक पहले स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? बताइए अंकित, चंदन, उमेश, देवानंद, इस्माइली, क्रेजी बॉय। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? जर्मनी में एक सरकारी संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, यूएन का एक विंग या एक निजी संगठन? बताइए चंदन, उमेश, देवानंद, इस्माइली, क्रेजी बॉय। क्या है भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? चलिए बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है बताइए। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? लेदर बैक कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, हरा कछुआ या हॉक्स बिल कछुआ? क्या है इसका आंसर? चंदन, देवानंद, उमेश, स्माइली, क्रेजी बॉय, अलोक, जल्दी बताइए कौन सा है सबसे छोटा समुद्री कछुआ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑलिव रिडले कछुआ। ऑप्शन नंबर बी, ऑलिव रिडले कछुआ, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनना है। सही को, टर्टल के विपरीत टर्टाइज में गोल और गुम्बदाकार शेल होता है। टर्टल की शेल टर्टाइज के मुकाबले अधिक सुव्यवस्थित होते हैं। आपको बताना ये रहे ऑप्शन कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं। बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। टर्टल के विपरीत टर्टाइज के गोल और गुंबदाकार शेल होता है और टर्टल के शेल टर्टाइज के मुकाबले अधिक सुव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है? बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किसे माना जाता है? बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से किसी भी व्यक्ति या चीज को सलामी देना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से किसी भी व्यक्ति या चीज को सलामी देना, या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को एक ड्रैपर के रूप में उपयोग करना। बताइए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, किसे अपमान माना माना जाता है? बताइए अंकित, चंदन, स्माइली, आलोक। चलिए देख लेते इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सिर्फ एक, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से किसी भी व्यक्ति या चीज को सलामी देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 18 फरवरी 2021 को होने वाली सार्क के स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? बताइए अंकित, आलोक, स्माइली, चंदन। बताइए 18 फरवरी 2021 को होने वाली सार्क स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या मालदीव? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। आलोक, अंकित, स्माइली, चंदन, देवानंद, क्रेजी बॉय। क्या है इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने की। 18 फरवरी 2021 में होने वाली सार्क की सचिव स्तर की बैठक, भारत, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रसिद्ध आविष्कार स्टेरोस्टेट क्या है? बताइए, अभी हमने शायद पहले पहला क्वेश्चन पढ़ा था किस में, ये वाला। बताइए, ओ कशिश गौर, वेलकम कशिश, आज कैसे इधर का रास्ता भूल गई कशिश। बताइए स्टेरोस्टेट क्या है? एक हानि रहित संगीत प्रणाली, एक स्टेथोस्कोप स्टेलाइजर, एक वक्ता या एक रडार? क्या है जल्दी बताइए। चंदन, हे भगवान चंदन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक स्टेथोस्कोप स्टेलाइजर। पढ़ा तो था अभी, आगे पढ़ा तो था। चलिए कि स्टेटोस्कोप स्टरलाइजर इनमें से क्या है, इसका अभी उल्टा कर दिया है, ऑप्शन को आंसर, आंसर को ऑप्शन बना दिया है। चलिए चंदन, जाके पीपल के पेड़ पे वापस लटक जाओ। इसका आंसर दीजिए, भू स्थानिक डेटा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित के लिए प्राप्त किया जा सकता है। बताइए भू स्थानिक डेटा निम्नलिखित के लिए प्राप्त किया जा सकता है, पृथ्वी पर स्टैटिक स्थान, पृथ्वी पर गतिशील स्थान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या इसका आंसर? सोनू, वेलकम सोनू, चंदन, अंकित, कशिश, देवन। बहुत ही बढ़िया, कशिश, स्माइली, उमेश। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर स्टैटिक स्थान और पृथ्वी पर गतिशील स्थान, वो स्थान डेटा दोनों के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्रेजी बॉय, इसका आंसर दीजिए, चीन का पहला मंगल मिशन कौन सा विफल रहा था? बताइए चीन का पहला मंगल मिशन था ना जो विफल था, उसका नाम बताइए। तियान वेन, यूजू वन, यिंगू वन, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। सोनू सिद्धार्थ, हैप्पी होली सोनू। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यिंगू वन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं नहीं हंसना नहीं है किसी पे, चलिए इसका आंसर दीजिए। शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? चंदन, इस्माइली, आलोक, देवानंद, कशिश, उमेश, कहाँ गए उमेश? शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है बताइए? रघुराम राजन, एन एस विश्वनाथन, उर्जित पटेल या निर्मला सीतारमण? क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट से बताइए। शहरी सरकार सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? रघुराम राजन, एन एस विश्वनाथन, उर्जित पटेल या निर्मला सीतारमण? क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। चलिए ओके जी, ओ जी, गुड मॉर्निंग जीत। चलिए इसका आंसर दीजिए जीत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन एस विश्वनाथन। एन एस विश्वनाथन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई समिति का नेतृत्व किया जा रहा है एन एस विश्वनाथन के जरिए। इसका आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए चुने गए अभियोजक का क्या नाम है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए चुने गए अभियोजक का, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं ना, उनका क्या नाम है? करीम खान, क्रिस्टीन लेगार्ड, फतो बेन सोनडान या मारिया डरागी? क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। जीत, ग्रीन फोर्स नेहरा, गुड मॉर्निंग ग्रीन फोर्स। चंदन, नहीं चंदन नहीं उतरना है, आपका मोबाइल बफरिंग करने लगेगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है, किसे चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करीम खान। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए चुने गए अभियोजक का नाम है करीम खान। करीम खान, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कशिश, इतने दिनों बाद आप आई हैं कशिश। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत ने किस देश के साथ लैंडर शेटूट बांध के निर्माण के लिए समझौता किया बताइए? भारत ने किस देश के साथ लालंदर या शटूट बांध के निर्माण के लिए समझौता किया? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की या जॉर्डन? क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। कशिश, इस्माइली, उमेश, जीत, ग्रीन फोर्स, चंदन। वही ऊपर ही पहुंचा दिया जाएगा आपके लिए चंदन खाना, पीपल के पेड़ पे, ग्रीन फोर्स। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या थी बताइए? चंदन, ग्रीन फोर्स, कशिश, इस्माइली, जीत, आलोक? चलिए बताइए विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या थी इस बार? न्यू इंडिया न्यू रेडियो, मेड इन इंडिया रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो या न्यू वर्ल्ड रेडियो? क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। स्माइली, जीत, ग्रीन फोर्स, आलोक, चंदन। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कश्मीर का राज्य पशु कौन सा है बताइए? कश्मीर का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन, हंगुल, कस्तूरी हिरन या इनमें से कोई भी नहीं? जीत, ग्रीन फोर्स, कशिश, स्माइली, क्रेजी बॉय, अंकित, बताइए कौन सा है कश्मीर का राज्य पशु? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंगुल। कश्मीर का राज्य पशु कौन सा है? तो हंगुल है, हंगुल। बहुत ही बढ़िया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है बताइए? कशिश, क्रेजी बॉय, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 75? क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। जीत, ग्रीन फोर्स, क्रेजी बॉय, कशिश, स्माइली, उमेश, जल्दी बताइए जी। तो देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 78। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है? बताइए सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है इनमें से? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह? क्या है इसका आंसर बताइए? ग्रीन फोर्स, क्रेजी, जीत, आलोक, बताइए क्या है इसका आंसर? कौन है सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, देख लें कशिश उमेश। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। और सभी का आंसर सही आता हुआ, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? बताइए इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? सर्जियो मट्टरेला, मारियो दराघी, मत्तो सल्विनी या ग्यूसेप कॉन्टे? क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। कशिश उमेश, आलोक, स्माइली, चंदन, ग्रीनफोर्स, क्रेजी वर्क, प्रियेश, वेलकम प्रियेश, आप इतना लेट कैसे प्रियेश, चंदन, उमेश। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मारियो दराघी, ऑप्शन नंबर बी मारियो दराघी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? मारियो दराघी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख का नाम किसे दिया जाएगा? बताइए। ओके प्रियेश लाइब्रेरी में है, मैं तो भूल ही गई थी। चलिए इसका आंसर दीजिए, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख का नाम किसे दिया जाएगा? नगोजी ओंकोएनजो इवेला या विजयलक्ष्मी पंडित, फ्लोरेंस ब्लांचफील्ड या गीता गोपीनाथ? क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। WTO की पहली महिला प्रमुख का नाम किसे दिया जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नगोजी ओंकोएनजो इवेला, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह कौन देता है? बताइए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह कौन देता है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं? वित्त मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय कृषि संस्थान या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है इसका आंसर। कशिश सोनू, आलोक, क्रेजी व चंदन प्रियेश, ग्रीन फोर्स, बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं, सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, COVID-19 के दौरान प्रस्तावित प्रतिरक्षा पासपोर्ट क्या संकेत देगा? बताइए COVID-19 के दौरान प्रस्तावित प्रतिरक्षा पासपोर्ट, जिसे इम्यूनिटी पासपोर्ट कहते हैं, क्या संकेत देगा? पासपोर्ट धारक को टीका लगाया गया है या नहीं यह संकेत देगा, वह COVID-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है कि नहीं यह देगा, COVID-19 वायरस परीक्षण में वह नेगेटिव पाया गया या ऊपर के सभी? बताइए क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। ग्रीन फोर्स, जीत, कशिश जल्दी बताइए फटाफट। ये क्लास चलती है डेली 9:30 बजे से, नेक्स्ट मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, नेक्स्ट इसके बाद मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, ये क्लास डेली चलती है 9:30 बजे से। जो भी नया है चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम नॉलेज पंडित, मेरा नाम निशा, NISHA निशा। चलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यह पासपोर्ट धारक को टीका लगा है कि नहीं यह भी बताएगा, COVID-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है कि नहीं ये भी बताएगा, और यह वायरस परीक्षण में नेगेटिव पाया गया है कि नहीं ये भी बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसे किसने लॉन्च किया जल्दी बताइए? कशिश, ग्रीन फोर्स, स्माइली, जल्दी बताइए। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसे किसने लॉन्च किया है जल्दी बताइए फटाफट। ग्रीन फोर्स, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है, नितिन गडकरी। ग्रीन फोर्स, ध्यान से पढ़िए ग्रीन फोर्स। चलिए हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद या दिग्विजय सिंह? बताइए, जिसने वक्त की कदर नहीं की वक्त उसकी कभी कदर नहीं करेगा। आप लोग अपना समय यदि कहीं लगा रहे हैं अच्छे काम में या पढ़ाई में, तो वहीं अपना ध्यान रखिए, ठीक है,
बाकी की फालतू चीजों के लिए ना जिंदगी पड़ी है। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका बिल्कुल सही आंसर है, मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है बताइए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? सुपर आर, स्माइली, ग्रीन फोर्स, पूजा मित्तल। वेलकम पूजा, बताइए उमेश। चलिए उमेश नहीं करेंगे, चलिए स्माइली, ग्रीन फोर्स। जीत चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी 2021 को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 13 फरवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से दीजिए। ई युवा योजना किसने शुरू की है बताइए, ई युवा योजना किसने शुरू की है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, नीति आयोग ने, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने, या युवा सेना ने? क्या है इसका आंसर बताइए। जीत, कशिश, पूजा, बताइए क्या इसका आंसर। ग्रीन फोर्स, क्रेजी बॉय, कशिश, चंदन, आलोक। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये युवा योजना जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने शुरू की। ठीक है, किसने शुरू की? तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने ई युवा योजना शुरू की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेडागास्कर किस जल स्रोत में पाया जाता है बताइए, स्माइली, ग्रीन फोर्स, जीत, पूजा मित्तल, उमेश। स्माइली, जल्दी बताइए, चंदन। मेडागास्कर किस जल स्रोत में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, या लाल सागर? क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए देख लेते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में पाया जाता है, हिंद महासागर में, बिल्कुल सही, और सभी का आंसर बिल्कुल सही आता हुआ, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग महाकाल भक्त, महाकाल भक्त आप तो बहुत लेट है, महाकाल भक्त पूरे आधे घंटे। चलिए इसका आंसर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक क्वालिफायर को तैयारी के रूप में INR 5 लाख प्रदान करने की घोषणा की है बताइए, हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक क्वालिफायर को तैयारी के रूप में 5 लाख प्रदान करने की घोषणा की है? हरियाणा, पंजाब, मेघालय, उत्तर प्रदेश। क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए। स्माइली, पूजा, ग्रीन फोर्स, जीत, कशिश, उमेश, स्माइली। कोई बात नहीं, आंसर बस याद होना चाहिए, चाहे पहले बताएं या बाद में बताएं, उधर थोड़ी ना कोई बताने वाला रहेगा, उधर तो आप ही को पता है ना कि आपको याद है कि नहीं। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने, हरियाणा ने ओलंपिक क्वालिफायर तैयारी के रूप में 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए। ONGC द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है बताइए, बताइए ONGC द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? सौर ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय विद्युत ऊर्जा, विद्युत संयंत्र, पन बिजली संयंत्र, या पवन ऊर्जा संयंत्र? क्या है इसका आंसर, पूजा, स्माइली, ग्रीन फोर्स, जीत, बताइए क्या है इसका आंसर। चंदन कुमार। चलिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय विद्युत संयंत्र। ONGC द्वारा लद्दाख में भूतापीय विद्युत संयंत्र पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताइए, चंदन, आलोक, स्माइली, पूजा, ग्रीन फोर्स। ग्रीन फोर्स पढ़ाई करिए, महाकाल भक्त, सोनू, चलिए पढ़ाई करिए, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, यूके, चीन, इटली। क्या है इसका आंसर, चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए उमेश कुमार। कू ऐप इनमें से किसका विकल्प है, कू ऐप इनमें से किसका विकल्प है? फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, या इनमें से कोई नहीं? ग्रीन फोर्स, जीत, उमेश, कशिश, आलोक, स्माइली, जल्दी बताइए फटाफट। ये क्लास डेली चलती है 9:30 बजे, ये क्लास डेली चलती है 9:30 बजे। नेक्स्ट मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंस। नेक्स्ट क्लास होगी मेरी शाम को 4 बजे, और उसके बाद होगी रात को 10 बजे। चैनल का नाम नॉलेज पंडित, मेरा नाम निशा। चलिए इसका आंसर है सी, ट्विटर। कू ऐप इनमें से किसका विकल्प है, तो ट्विटर का है, ट्विटर का। ओ रिंकू, वेलकम रिंकू कुमार। अरे चंदन कुमार, आप पीपल के पेड़ से नीचे उतर गए, चंदन कुमार वापस चढ़ जाइए।
वापिस चढ़ जाइए, इसलिए बफरिंग हो रहा है। महाकाल भक्त, चंदन से दूर रहिए महाकाल भक्त, नहीं तो आपका मोबाइल ही बफरिंग करने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा कू ऐप सपोर्ट नहीं करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा कू ऐप सपोर्ट नहीं करता है, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़ या तुलु? क्या है इसका आंसर? चंदन, महाकाल भक्त, जीत। जल्दी बताइए रिंकू, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आंसर डी, तुलु। हिंदी, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ सपोर्ट करता है, तुलु सपोर्ट नहीं करता, ठीक है कू ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे सरीसृप का नाम क्या है, जिसे रेप्टाइल कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे रेप्टाइल सरीसृप का नाम क्या है? ब्रुकेशिया नाना, ब्रुकेशिया माइक्रा, ब्रुकेशिया नैनो, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या है इसका आंसर? पूजा, जी, ग्रीन फोर्स, महाकाल भक्त, रिंकू। बताइए जल्दी क्या आंसर है इसका। चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुकेशिया नाना। आंसर नंबर ए, ब्रुकेशिया नाना। ए, ब्रुकेशिया नाना इसका बिल्कुल सही आंसर है। कोई बात नहीं सोनू, चलिए इसका आंसर दीजिए। आइंस्टीनियम तत्व की खोज कब की गई थी? आइंस्टीनियम तत्व की खोज कब की गई थी? 1951, 1955, 1952 या 1991? क्या है इसका आंसर? महाकाल भक्त, इस्माइली, जीत, रिंकू। क्यों रिंकू, अभी तो आए हैं आप। पूजा मित्तल, बताइए जल्दी क्या है इसका आंसर। चलिए सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952। ऑप्शन नंबर सी, 1952 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए आइंस्टीनियम किस महासागर में पहली बार मिला था? आइंस्टीनियम किस महासागर में पहली बार मिला था? कशिश, पूजा, सोनू, ग्रीन फोर्स, महाकाल भक्त, बताइए। आइंस्टीनियम किस महासागर में पहली बार मिला था? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए फटाफट। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में आइंस्टीनियम मिला था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्लास डेली होती है 9:30 बजे से, डेली 9:30 बजे से। नेक्स्ट मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस। नेक्स्ट मेरी क्लास होगी 4 बजे, उसके बाद होती है रात को 10 बजे। जो भी नए हैं ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका नाम बताइए। हाल ही में वेनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया था, बताइए। हाल ही में वेनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया था? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है चैनल को, अभी के अभी जाके एक बार लाइक बटन ठोक के आओ। कशिश, जाके लाइक बटन ठोक के आना जरा। चंदन, ग्रीन फोर्स, सभी, जीत। जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक करो अभी के अभी, नहीं तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। और यदि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाना कि मैम ने तो आंसर ही नहीं बताया इसका। अभी के अभी लाइक ठोक के आइए जल्दी की जल्दी। 17 वॉचिंग है, 15 लाइक है। वाह कलयुग, वाह, घोर कलयुग आ गया है अब तो। चलिए जल्दी लाइक का ठोक के आइए एक बार बटन, जिसने भी लाइक नहीं किया है अभी के अभी। 2 बार नहीं ठोकना है ग्रीन बोर्ड, सिर्फ 1 बार ठोक के आना है। ओ कशिश, ठोक दिया आपने। अभी भी 17 ही है, हाँ ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है, आप लोगों ने लाइक का बटन ठोक दिया है इसलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। वेनेडियम भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। वेनेडियम, वेनेडियम पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए। एरो इंडिया 2021 में भारत के नए योद्धा ड्रोन के विकास में कौन सा संगठन शामिल है, बताइए। एरो इंडिया 2021 में भारत के नए योद्धा ड्रोन के विकास में कौन सा संगठन शामिल है? HAL, DRDO, ISRO या none of the above? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। पूजा, चंदन, सुपर आर, स्माइली, ग्रीन फोर्स, जीत। क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए। सुपर आर, कशिश, पूजा मित्र, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HAL। एरो इंडिया 2021 में भारत के नए योद्धा ड्रोन के विकास के लिए HAL शामिल है। HAL, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित एयर पावर टीमिंग, बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित एयर पावर टीमिंग सिस्टम पर आधारित मानव रहित विमान का क्या नाम है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सुपर आर, ग्रीन फोर्स, जीत, कशिश, क्या क्या आंसर है इसका? जल्दी बताइए।
क्या आंसर है इसका, जल्दी बताइए फटाफट। क्या आंसर है इसका जल्दी बताइए जी। HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। AHL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ठीक है। HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। चलिए अब इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉयल विंगमैन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉयल विंगमैन। लॉयल विंगमैन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, लॉयल विंगमैन। 9 फरवरी 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, बताइए। सुपर आर, पूजा, सोनू, स्माइली, जल्दी बताइए। 9 फरवरी 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत या जॉर्डन। क्या इसका आंसर जल्दी से बताइए फटाफट। ग्रीन फोर्स, जीत, आलोक, चंदन, उमेश कहाँ गए, आलोक, स्माइली, कशिश, सुपर आर। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात 9 फरवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया था, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बताइए जल्दी से। भारत की कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जल्दी बताइए। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जल्दी बताइए फटाफट। 9, 7, 6, 5। क्या इसका आंसर, ऑल एग्जाम, वेलकम ऑल एग्जाम, सुपर आर, महाकाल भक्त, चंदन कुमार, कशिश, ग्रीन फोर्स, हम हैं बकलोल दूल्हा, वेलकम, हम हैं बकलोल दूल्हा, विक्की, वेलकम विक्की। चलिए चलिए तो इसका आंसर है आंसर बी, 7, 7, 7, 7 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा देश भारत में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कौन सा देश बताइए। चलिए बताइए कौन सा देश, इसका आंसर है बांग्लादेश, सी बांग्लादेश, सी बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए सुपर आर। कौन सा देश एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश एशिया प्रशांत, जिसे एशिया पैसिफिक कहते हैं, क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ब्रुनेई, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक। क्या इसका आंसर जल्दी बताइए, सोनू, चंदन, पूजा, ऑल एग्जाम, विक्की, आप हैं बकलोल दूल्हा, जी, स्माइली, ऑल एग्जाम, ग्रीन फोर्स, चंदन, महाकाल भक्त। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, मोजाम्बिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं विक्की, आप लोग इतनी आईडी बदलते हैं सब लोग की, मुझे समझ में नहीं आता कौन कब आ गया आईडी बदल के अपनी। चलिए इसका आंसर दीजिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है, बताइए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय और प्रशांत महासागर के आसपास के भूस्खलन या ऊपर के सभी। क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है, ग्रीन फोर्स, स्माइली, जीत, महाकाल भक्त, जल्दी बताइए। हाँ मैं बकलोल दूल्हा। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय और प्रशांत महासागर के आसपास के भूस्खलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ी है, कोसी, मंदाकिनी, ब्रह्मपुत्र या हुगली। इसका हम लोगों ने ये पढ़ा था कि
धुबरी फुलवारी ब्रिज कहाँ से वो जुड़ा हुआ है बताइए। अरे रे, चलिए मैंने तो आंसर ही बता दिया, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बताइए, धुबरी फुलवारी ब्रिज किन दो राज्यों को जोड़ेगा? धुबरी फुलवारी ब्रिज किन दो राज्यों को जोड़ेगा? असम मेघालय, मणिपुर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम या त्रिपुरा असम? क्या है बताइए। महाकाल भक्त, जीत, सुपर आर, स्माइली, अलोक, आप हैं बकलोल दूल्हा। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम मेघालय। जो धुबरी फुलवारी ब्रिज है वो असम और मेघालय को जोड़ेगा। असम मेघालय, असम मेघालय, ऑप्शन नंबर ए असम मेघालय। ओके ऑल एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए, भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास है बताइए। ओके विकी, चलिए इसका आंसर दीजिए, भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास है? दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या दक्षिण पश्चिम रेलवे? क्या इसका आंसर? ऑल एग्जाम, सुहानी, जीत, सुपर आर, उमेश, चंदन, स्माइली, सुपर आर। सुहानी, आप कहाँ चली गई थी बीच में सुहानी? चलिए इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर है सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे महाकाल भक्त, आप चंदन कुमार के जस्ट ऊपर है ना, इसलिए आपका बफरिंग हो रहा है। देखिए कमेंट बॉक्स में आप चंदन कुमार के जस्ट ऊपर है, चंदन कुमार से दूर हो जाइए। वासुकी क्या है, एक मंदिर, मालगाड़ी, भारतीय रॉकेट लॉन्चर या तमिलनाडु पुल? बताइए वासुकी क्या है। ग्रीन फोर्स, महाकाल भक्त, चंदन, विक्की, सोनू, सुपर आर, जीत। बताइए सुहानी कहाँ गई, सुहानी, उमेश, चंदन। चलिए तो इसका आंसर है बी, मालगाड़ी। वासुकी क्या है, तो एक मालगाड़ी है। ओके चलिए इसका आंसर बताइए, चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है बताइए, बताइए। स्माइली और स्मृति दोनों गोल हैं, स्माइली और स्मृति दोनों गोल हैं, मैं बोल तो रही हूँ। अच्छा ऑल एग्जाम ना बोल के मनोज बोलूँ, ठीक है मनोज। चलिए इसका आंसर दीजिए मनोज, चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा या ऋषि गंगा? क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए उमेश, विक्की, आलोक देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौली गंगा। चमोली जिले में धौली गंगा बहती है, धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना चमोली फ्लैश बाढ़ से प्रभावित हुई है बताइए? कौन सी विद्युत परियोजना चमोली फ्लैश बाढ़ से प्रभावित हुई है? टेहरी विद्युत परियोजना, तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर परियोजना या नाथपा झाकरी बांध? क्या है इसका आंसर? सोनू, सुहानी, ग्रीन फोर्स, स्माइली, सुपर आर। अरे स्माइली आप हैं, मैंने सोचा आप निकल नहीं, धीरे से बताइए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। इसका आंसर है तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से दीजिए, निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियर के प्रकोप का कारण नहीं है? कौन ग्लेशियर के प्रकोप का कारण नहीं है? चलिए भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, क्षरण, इनमें से कोई भी नहीं। हमें बकलोल दूल्हा कॉपी पेस्ट नहीं करने का बार बार। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से दीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था? विक्की, महाकाल भक्त, स्माइली, आलोक। आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था? 1947-48, 1950-51, 1949-50, 1991-92? उमेश, चंदन, ग्रीन फोर्स, स्मृति, स्माइली। अच्छा दोनों ही है, मैंने सोचा गोल हो गई दोनों की दोनों। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950-51, ऑप्शन नंबर बी, 1950-51 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 27 जनवरी, 5 मार्च या फरवरी 14? क्या है इसका आंसर? सुपर आर, उमेश, सुहानी, मनोज यादव, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस के लिए विषय क्या है बताइए। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस के लिए विषय क्या है? आई एम एंड आई विल ओवरकम, आई कैन, वी कैन, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। सोनू, आलोक, मनोज, ग्रीन फोर्स, महाकाल भक्त, स्माइली, स्मिति, यू आर बकलोल दूल्हा, उमेश कुमार, विक्की। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है? जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है? चांग ई टू, स्पेस एक्स, मंगलयान या स्टारडस्ट 1.0। क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। जैव ईंधन लिखा है, जैव ईंधन बायोफ्यूल द्वारा संचालित। ओके ग्रीन फोर्स, थोड़ी वैसे और बची है ग्रीन फोर्स 10 मिनट की। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टारडस्ट 1.0, स्टारडस्ट 1.0, स्टारडस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पिनाका MK1 किसके द्वारा विकसित किया गया है बताइए। पिनाका MK1 किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO, HAL या डिफेंस मिनिस्ट्री? क्या है इसका आंसर चलिए बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DRDO, पिनाका MK1 DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आलोक चंदन सुहानी, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है बताइए। राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है, जनगणना की है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। सोनू, महाकाल भक्त, सुहानी, चंदन, विक्की, जल्दी बताइए, स्मृति। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई बताइए। सुपर आर, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई? 4 फरवरी 2021, 5 फरवरी 2021, 31 जनवरी 2021, 2 फरवरी 2021 बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी 2021, ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 2021 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया बताइए। 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? HAL, DRDO, ISRO या TASL बताइए। क्या इसका आंसर? सोनू, सुहानी, महाकाल भक्त, चंदन, सुपरार, जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए HAL, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आने वाले वर्षों में कौन सा राज्य बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा बताइए। आने वाले वर्षों में कौन सा राज्य बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र? क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए फटाफट। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, शैवाल पार्क तमिलनाडु स्थापित करेगा। तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है बताइए। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्मेलीकॉप्टर क्या है बताइए। स्मेलीकॉप्टर क्या है? एक हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन, एक उड़ने वाला मशीन या इनमें से कोई भी नहीं बताइए। स्माइली, महाकाल भक्त, चंदन कुमार, सुहानी, स्मिति, सोनू। क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ड्रोन। स्मेलीकॉप्टर क्या है? तो एक ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बताइए। भारत और चीन किस काल्पनिक रेखा से विभाजित हैं या भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताइए। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताइए। रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या इनमें से कोई भी नहीं। क्या है इसका आंसर जल्दी बताइए फटाफट। महाकाल भक्त, आलोक, स्माइली, चंदन, सोनू,
आलो क्या है इसका आंसर? सोनू, जल्दी बताइए। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी, मैक मोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? बताइए। बताइए दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? शाहीन, ब्रह्मोस, हेल फायर या हार्पून? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी? बताइए, ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी? विद्युत गाड़ियां, एसयूवी, सार्वजनिक परिवहन की बसें या इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका आंसर? स्मृति, सुपरार, महाकाल भक्त, आलोक, सुहानी, सोनू। स्मृति, चंदन। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर? ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत गाड़ियां। ग्रीन टैक्स से विद्युत गाड़ियों को छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश? क्या है इसका आंसर? सोनू, स्मृति, चंदन, महाकाल भक्त, आलोक, सुपरार। क्या है इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एल ए एस आई क्या है? एल ए एस आई का फुल फॉर्म बताना है आपको, जल्दी बताइए। लॉन्गिट्यूशनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया या एंटीजन स्टडी ऑफ इंडिया? सिर्फ एजिंग में और एंटीजन में बस वो है, बाकी बताइए। और नीचे वाला है लेटेंट एंटी एजिंग साइंस या इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए फटाफट। एल ए एस आई। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, महाकाल भक्त, चंदन, सुपरार, सोनू, स्मिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था? बताइए कौन सा चक्रवात भारत में आया था? महाकाल भक्त, चंदन, सोनू। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु आया था, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, महिला एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? महिला एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? म्यांमार, चीन, भारत, रूस? आलोक, सुपरार, सोनू, महाकाल भक्त, चंदन। बताइए महिला एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? म्यांमार, चीन, भारत, रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। भारत इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चलिए अब भी यहीं खत्म हो गए आपकी। जल्दी बताइए, रिवाइज करा दूं क्या? रिवाइज करा दूं क्या? 3 मिनट बचे हैं, रिवाइज करा दूं? चलिए करा देती हूँ जल्दी से फटाफट। बताइए व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? स्माइली, धन्यवाद नहीं कहना स्माइली, अभी हम लोग रिविजन करेंगे, अभी बचे हुए हैं। चलिए व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदेश ऐप। संदेश ऐप इसका बिल्कुल सही आंसर है, संदेश ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा संगठन संदेश ऐप के बैकएंड को संभालता है? कौन सा संगठन संदेश ऐप के बैकएंड को संभालता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, संदेश ऐप के बारे में सही कथन चुने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो प्लेटफॉर्म के बीच चैट इतिहास को स्थानांतरित करने का कोई और विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ये क्लास डेली होती है 9:30 बजे, नेक्स्ट मेरी क्लास होगी 4 बजे। नहीं चंदन, अभी थोड़ी 4-5 मिनट और चढ़े रहो चंदन, अभी जब तक वो नहीं हो जाता है रिवाइज। चलिए बताइए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत है 86वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए,
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में सही क्या है? तो दोनों ही सही है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बताइए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? तो इसका आंसर है यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बताइए। भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? जल्दी बताइए, भारत में पाए जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑलिव रिडले कछुआ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऑलिव रिडले कछुआ। ये बहुत बड़ा है। ये बताइए 18 फरवरी 2021 को होने वाली सार्क स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी कौन सा, किस देश ने की? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। सार्क की सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी किस देश ने की 2021 में? तो भारत। प्रसिद्ध आविष्कार स्टेरोस्टेट क्या है? बताइए प्रसिद्ध आविष्कार स्टेरोस्टेट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक स्टेटोस्कोप स्टेरलाइजर। इसका आंसर है बी एक स्टेटोस्कोप स्टेरलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भूस्थानिक डेटा निम्नलिखित में के लिए प्राप्त किया जा सकता है? बताइए आलोक, चंदन, सुहानी, स्मृति, सभी गोल हो गए क्या? इसका आंसर दीजिए भूस्थानिक डेटा निम्नलिखित के लिए प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी पृथ्वी पर स्टैटिक स्थान और पृथ्वी पर गतिशील स्थान दोनों के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चीन का पहला मंगल मिशन का विकल्प कौन सा विफल रहा? बताइए चीन का पहला मंगल मिशन जो विफल रहा उसका नाम बताइए जल्दी से। चंदन, आलोक, सुहानी, सोनू, क्या है इसका आंसर? इस्माइली को मैं बताती हूँ, रुक जाइए, इस्माइली को मैं बताती हूँ अभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यिनगोवन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? शहरी सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए आरबीआई समिति का नेतृत्व किसके लिए, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन एस विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए चुने गए अभियोजक का नाम क्या है? बताइए क्या है उनका नाम? तो इसका आंसर है ए करीम खान। ए करीम खान इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए करीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत ने किस देश के साथ लैंडर शटूट बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है? लैंडर शटूट बांध के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है भारत ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी? विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या थी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। इसका बिल्कुल सही आंसर है। चंदन, आलोक, सुहानी, सोनू, सुपर आर। निम्नलिखित में से कश्मीर का राज्य पशु कौन सा है? बताइए कश्मीर का राज्य पशु कौन सा है जल्दी बताइए। इसका आंसर है बी हंगुल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 78। इसका आंसर बताइए सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? इनमें से सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मारियो द्रागी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख का नाम किसे दिया जाएगा? विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख का नाम किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर है नगोजी ओंकोजो इवेला। ऑप्शन नंबर ए नगोजी ओंकोजो इवेला। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह कौन देता है? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये बताइए कोविड-19 के दौरान प्रस्तावित प्रतिरक्षा रिपोर्ट क्या संकेत देगा?
तो ये तीनों ही संकेत देगा कि पासपोर्ट धारक को टीका लगा है कि नहीं, या COVID-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है कि नहीं, या वायरस परीक्षण में वह नेगेटिव पाया गया है कि नहीं। इसका आंसर दीजिए, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर हाल ही में किसने लॉन्च किया, CNG ट्रैक्टर हाल ही में किसने लॉन्च किया, जल्दी बताइए। ये क्लास डेली होती है 9:30 बजे, नेक्स्ट मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, नेक्स्ट मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे। चलिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इसका बिल्कुल सही आंसर है, नितिन गडकरी। हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया, बताइए, हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। सुहानी, आलोक, सुपर आर, चंदन, उमेश, स्मृति, स्माइली, कहाँ भग गए सभी के सभी, कहाँ है सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी 2021। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ई युवा योजना किसने शुरू की, ई युवा योजना किसने शुरू की, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मीणा कास्कर किस जल स्रोत में पाया जाता है, मीणा कास्कर किस जल स्रोत में पाया जाता है, जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। मीणा कास्कर हिंद महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक क्वालिफायर को तैयारी के रूप में 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है ए हरियाणा, ए हरियाणा। इसका आंसर बताइए, ONGC द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है, ONGC द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय विद्युत संयंत्र। इसका आंसर बताइए, भूतापीय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भूतापीय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चंदन आप बीच में गोल हो गए थे ना चंदन, मैंने आपसे बोला था ना कि पीपल के पेड़ से नहीं उतरना है अभी आपको। इसका आंसर बताइए चंदन, कू ऐप इनमें से किसका विकल्प है, कू ऐप। आलोक, सोनू, सुहानी, चंदन, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्माइली भाग गई ना चंदन, स्माइली भाग गई ना, चलिए बताती हूँ मैं इसको, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा कू ऐप सपोर्ट नहीं करता, कू ऐप कौन सी भारतीय भाषा सपोर्ट नहीं करता, तो इसका आंसर है डी तुलू, डी तुलू। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे सरीसृप का नाम क्या है, बताइए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटे सरीसृप का क्या नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुकेशिया नाना, ब्रुकेशिया नाना, ऑप्शन नंबर ए। आइंस्टीनियम तत्व की खोज कब की गई, आइंस्टीनियम तत्व की खोज कब की गई, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952, 1952, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1952। आइंस्टीनियम किस महासागर में पहली बार मिला था, बताइए, आइंस्टीनियम किस महासागर में पहली बार मिला था, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, क्या इसका नाम, बताइए। आलोक, सोनू, सुपर आर, क्या इसका आंसर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। आइंस्टीनियम मिला था प्रशांत महासागर में। हम लोग कर रहे हैं रिवीजन जल्दी से फटाफट, इसका आंसर बताइए, हाल ही में वेनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया, वेनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया। जिन्होंने भी चैनल को लाइक नहीं किया है कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। ये क्लास डेली होती है 9:30 बजे, नेक्स्ट मेरी क्लास होगी शाम को 4 बजे, नेक्स्ट होगी शाम को 4 बजे। तो इसका आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश, वेनेडियम पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सुहानी, चंदन उतरना मत पेड़ से, इसका आंसर बताइए। एरो इंडिया 2021 में भारत के नए युद्ध ड्रोन के विकास में कौन सा संगठन शामिल है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HAL, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, HAL। बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित एयर पावर टीमिंग सिस्टम पर आधारित मानव रहित विमान का क्या नाम है, मानव रहित विमान का क्या नाम है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉयल विंगमैन, लॉयल विंगमैन।
मानव रहित विमान। इसका आंसर बताइए 9 फरवरी 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? बताइए आलोक, सोनू, सुहानी, चंदन। 9 फरवरी 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। कौन सा देश एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोजाम्बिक। ऑप्शन नंबर डी मोजाम्बिक। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है? बताइए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या शामिल है? बताइए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय और प्रशांत महासागर के आसपास का भूस्खलन, तीनों ही शामिल है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ी है? बताइए धुबरी फुलवारी ब्रिज से कौन सी नदी जुड़ी है? सुपर आर। पांच मिनट और 45 पे छोड़ दूंगी, 5 मिनट और 45 पे छोड़ दूंगी। इसका आंसर है सी ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर है सी ब्रह्मपुत्र। इस्माइली कहाँ गोल हो गई थी आप? इस्माइली धुबरी फुलवारी ब्रिज किन दो राज्यों को जोड़ेगा? राहुल गुप्ता अब तो जाने का टाइम होने वाला है। राहुल गुप्ता 5 मिनट पढ़ लीजिए, रिवीजन चल रहा है राहुल, ठीक है 5 मिनट पढ़ लीजिए, रिवीजन चल रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम और मेघालय को जोड़ेगा धुबरी फुलवारी ब्रिज। असम और मेघालय को जोड़ेगा। चलिए इसका आंसर बताइए भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास है? भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास है? जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए वासुकी क्या है? वासुकी क्या है? जल्दी बताइए चंदन, इस्माइली, राहुल, आलोक, सुहानी, राहुल। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वासुकी मालगाड़ी है, मालगाड़ी ऑप्शन नंबर बी। चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? सुपर आर। इसका आंसर है सी धोली गंगा। सी धोली गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना चमोली फ्लैश बाढ़ से प्रभावित हुई है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना चमोली फ्लैश बाढ़ से प्रभावित हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए निम्नलिखित में से कौन ग्लेशियर के प्रकोप का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है डी इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था? ये क्लास डेली होती थी 9:30 बजे से, नेक्स्ट मेरी क्लास होगी 4 बजे। चैनल का नाम नॉलेज पंडित, मेरा नाम निशा। चलिए तो इसका आंसर है बी 1950 से 51। बी 1950 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस के लिए विषय क्या है? बताइए क्या है विषय? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है? बताइए जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टारडस्ट 1.0। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2 मिनट और बचे हैं, अभी 43 हो रहे हैं, 2 मिनट और हैं। चलिए इसका आंसर बताइए पिनाका MK1 किसके द्वारा विकसित किया गया है? पिनाका MK1 किसके द्वारा विकसित किया है? जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक कर देंगे ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसका आंसर है DRDO, पिनाका MK1 DRDO ने विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए
राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना की शताब्दी समारोह कब हुई बताइए। इस बार ये मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना की शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 2021। 4 फरवरी 2021 इसका आंसर बताइए। 83 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तेजस का निर्माण, तो इसका आंसर है ए एच ए एल। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सुहानी। अच्छा 45 हो गए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन। आने वाले वर्षों में कौन सा राज्य बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा बताइए। आने वाले वर्षों में कौन सा राज्य बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है बताइए। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई। स्मेलीकॉप्टर क्या है? स्मेलीकॉप्टर क्या है? चलिए बताइए स्मेलीकॉप्टर क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एक ड्रोन। स्मेलीकॉप्टर ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत और चीन किस काल्पनिक रेखा से विभाजित है बताइए। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है? चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। 5 मिनट और। इसका आंसर दीजिए। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? तो इसका आंसर है बी ब्रह्मोस। बी ब्रह्मोस इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी? नेक्स्ट मेरी क्लास होगी 4 बजे शाम को बताइए। ग्रीन टैक्स से किन वाहनों को छूट मिलेगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत गाड़ियां। विद्युत गाड़ियां ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट, इसके बाद बिल्कुल नहीं। चलिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है सोनू। इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए LSI क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था बताइए। 5 मिनट और। 47 हो गए। 3 मिनट और। 50 पे बिल्कुल छोड़ दूंगी, 50 पे। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायु। वायु आया था। बहुत ही बढ़िया स्माइली स्मिति, बहुत ही बढ़िया। देखिए वो लोग आंसर दे रही हैं वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चंदन आप 3 मिनट और पेड़ पे नहीं लटक सकते चंदन। महिला एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा बताइए। महिला एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए आप लोग की दुआ कबूल हुई, क्वेश्चन खत्म। चलिए फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे की क्लास में। मिलते हैं शाम को 4 बजे की क्लास में, ठीक है? ओके चंदन अब उतर जाइए। चंदन उतर जाइए। चंदन स्माइली स्मिति आलोक आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया ये क्लास अटेंड करने के लिए। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया ध्यान से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में, ठीक है? ओके स्माइली आलोक चंदन स्मिति। चलिए ठीक है अब मैं ऑफलाइन हो रही हूँ, ठीक है? मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। थैंक यू चंदन। सुपर आर बाय सुपर आर। थैंक यू स्मिति, बहुत बहुत धन्यवाद स्माइली। चलिए अब मैं ऑफलाइन हो रही हूँ, ठीक है? मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।